कानून है, आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएबी, कभी एनआरसी, फिर दोबारा एनआरसी, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात की शुरुआत में, आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहां हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं जो इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरी बात सर, जस्ट आई एम जस्ट फिनिशिंग, जस्ट माय थर्ड, देयर आर फोर मोर स्पीकर्स फ्रॉम योर पार्टी, फोर मोर, जस्ट गिव मी जस्ट थर्ड पॉइंट सर। दे आर टारगेटिंग ए कम्युनिटी विदाउट नेमिंग इट इन दिस बिल। दे आर टारगेटिंग अ कम्युनिटी विदाउट नेमिंग इट। It violates the basic structure of the Constitution. It is divisive and exclusive. It will destabilize our polity, and 18 to 20 million people will not trust us. It weakens the foundation of our culture, of our beliefs, of our ethos. It has consequences that you can't even imagine. And this is part of your political strategy. The last thing I want to say, sir, is this, that this is legally tenable and legally reprehensible, morally reprehensible. Those who have no idea of India cannot protect the idea of India. Don't convert this Indian Republic into a Jurassic Republic where there are two dinosaurs. Thank you. Thank you. Before I call